आपके मिनिस्टर ने गाड़ियां चढ़ा दी, आपका मिनिस्टर फरार हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल नहीं हो रहा, कसूर हमारा निकाल रहे हो क्यों भाई? जनजातियों की डरता है, पुलिस को आगे करता है। जनजातियों की डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो मैं रेस्ट करो या हमें जाने दो यार, सीधी बात है। जहां हमें जाने दीजिए, अरेस्ट अस, नो प्रॉब्लम, जेल भेज दीजिए। तुमने पीठ की तरफ से कुचला किसानों को यार, रोन डाला, आज तक अरेस्ट नहीं किया, तुमने क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको? किसान मजदूर एकता, आप हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? हमारे उस मिश्रा के लिए नहीं लगी हुई, इसलिए हमारे किसान परिवारों से मिलने क्यों नहीं जाने देते? इट इज माई राइट टू गो एंड मीट दी फैमिली ऑफ दी ब्रिज। एमएलए हैं, दो दो लाख के नुमाइंदे, मतलब आप कत्लेआम करोगे, आप जुल्म करोगे, आप अत्याचार करोगे किसानों की पीठों के ऊपर, आप गाड़ियां चला दोगे और फिर हम जा नहीं सकते। मतलब हम किसको कोई लाठी मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारे फैमिलीज के साथ सिख लोग हैं, लंगर लगाते हैं और किसी का दुख भी बांटते हैं, अब हमें दुख भी नहीं बांटते लोग हैं जहाँ पर सारे जाने के लिए रोक रहे हो यार, क्या थोड़ी बन रही है? सिटिंग मिनिस्टर इंडिया हॉकी कैप्टन, नहीं तहजीब की बात ही है। देखो बात, हम वहाँ से चल के आ रहे हैं। देखो साहब, अगर आप ऐसे रोकोगे, मैं यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा और मैं आपको फिर बोल देता हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, आप हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते। हम पीसफुल लोग हैं, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, दो दो लाख लोगों का एक एक एमएलए नुमाइंदा है, मिनिस्टर है, पंजाब सरकार है सारी यहाँ आई हुई, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं भाई? सड़क पे कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपके पास कौन सा ऑर्डर है? क्यों भाई, क्या हमको यहाँ दंगा कर रहे हैं? क्या हम कोई किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो? क्यों पिछले हाईवे से आते जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? बिल्कुल सही है, आपके मिनिस्टर ने गाड़ियां चढ़ा दी, आपका मिनिस्टर फरार हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन में वो शामिल नहीं हो रहा, कसूर हमारा निकाल रहे हो क्यों भाई? किस 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 वजह से? आप हमें जाने दीजिए भैया, फिर आप हमें जाने दीजिए। हमने कोई हड़कंप नहीं करना, कोई दंगा नहीं करना, हम पीसफुल लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, सरकार है यहाँ, पंजाब सरकार, ऑलमोस्ट पूरी पंजाब सरकार है यहाँ, अब कैसे रोक सकते हैं भाई? कैसे रोक सकते हैं? किस बना से ऑर्डर है तो सर तब भी बताओ, और आप दिखाओ, कोई तैयार है तो आप बताओ, ऑर्डर दिखाओ, बात करनी है, सड़क पे जाना और अपने कोई मजाक है क्या कर रहे हो तुम? लोकतंत्र का डंडा तंत्र बना दोगे तुम? लोकतंत्र का क्या है तंत्र? लोगों की सरकार लोगों के लिए होती है क्या? तुम हमें अपने मौलिक हम क्या चाहते हैं? उन परिवारों का बोझ जो है उनका दुख जो है वो बांटे, और क्या इससे ज्यादा मतलब छोटे काम क्या है यार? भाई तुम यहाँ इतने बड़े ट्रॉली वाली लगा के बैठे हो यार, क्या मतलब यहाँ कोई गुंडे आ रहे हैं यार?
कोई हम किसी का कुछ छीनने आ रहे हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सर, हमारे देश में हमें नजरबंद कर रहे हैं आप लोग। हम सब अपने अपने खुद जाना चाह रहे हैं, लोग यंत्र का मजाक मना रहे हो दोस्त, किसानों को रोंद रहे हो। खाली कराओ सर, जनजातियों की डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जनजातियों की डरता है, पुलिस को आगे डरता है, जनजातियों की डरता है, पुलिस को आगे डरता है। सर चलिए, चलो चलिए, धक्के ना मारो। आदरणीय डीएम साहब, वही चीजें सिद्धू साहब, अगर सिद्धू साहब सरकारी मीडिया के यहाँ 10-12 सिटिंग मिनिस्टर है, वही चीजें बात ही नहीं। हमने यहाँ कोई आप किसी किस्म की भी कोई भी ऐसी बात शुरू की हम नहीं कर सकते। इज्जतदार लोग हैं, इज्जत से आए हैं और इज्जत से जाना चाहते हैं। वो आप भी तो हैं, देखो पीछे और अभी दुनिया है, चलेंगे अच्छा नहीं लगता। अब एक ही बात है, सर जानना में क्या नहीं आपको पर्चा लेना होगा, फिर पूछ जाएंगे। दिस इज अभी आपके साथ ये कह रहे हैं कि आपने फैसला करना है, ना हम डायरेक्ट से डरते हैं, ना लाठीचार्ज से डरते हैं, ना एफआईआर से डरते हैं, लेकिन फैसला आपका है, जहां हमें जाने दीजिए। आई विल अरेस्ट अस, नो प्रॉब्लम, जेल में भेजिए। फिर सर जाने दो, दो लाख आदमी का नुमाइंदा है, मिनिस्टर है यहाँ, तुम क्या लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना लोगे तो? ऑर्डर चेक करो, भय तंत्र बना दोगे लोकतंत्र का यार? या ऑर्डर देखो, या तो अरेस्ट करो यार, या हमें जाने दो। कोई 5 लोग नहीं है भाई, दूसरों को जेल भेज दीजिए। भारत हमारा देश है, 5 लोग क्यों? 5 तो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। देखो हजार गाड़ी खड़ी है, तो आप कहते हो 5 लोग जाएंगे, क्यों भाई? 5,000 जाएंगे। हम क्यों कह रहे हैं कल को आप ये ना कहें कि प्रशासन की हमने सुनी, एक बात यहाँ पर है, बात सुनो, अगर किसी ने प्रोटेस्ट भी करना हो क्या उसका मौलिक अधिकार नहीं है? क्या आप हमें सीधा जाने से रोक रहे हो? मैं तो कहता हूँ प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन हम तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे ना। नहीं, पर कौन से रीजनेबल भाई, किस तरीके से, क्यों यहाँ कोई हमने कोई दावा किया? सर आपको योगी जी ने बोला रोकने के लिए, योगी जी से पूछ लीजिए। आदमी को अरेस्ट करना था, वो तो खुला घूम रहा है, उसको अरेस्ट करो ना, उसमें लगाओ ये सब धाराएं, कोई लगाइए उसमें धारा। भाई यार उसका नाम हम कोई कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप अपने आप को
कोई तीन पीछे भी खड़े हैं टूट जाएगा पांच मिनट में। तब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या तो रेस्ट कर लो या हमारे को जाना तो नहीं जाने ये बैरिकेड आप नहीं रोक पाओगे। हाथ में दिया हम उनको हाथ में लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमें आराम से जाने दो और नहीं जाने देना तो हमें जेल भेज दीजिए। इनको उठाइए मिश्रा साहब नहीं है कानून को हाथ में लेंगे। गाड़ी में कम डाल दो आप एस एस पी है कम से कम ये थोड़ी है कि आप लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र है लोगों का राज है। दो दो लाख आदमी का नुमाइंदा है किस किस बना पे रोक रहे हो तुम क्यों रोक रहे हो तुम बिल्कुल जा तो हमें जेल ले चले। पहले प्रियंका जी को तुमने बिना मतलब 54 घंटे बिठा के रखा यार तू कोर्ट में नहीं पेश किया तुमने उनको कोई कानून की उल्लंघना नहीं किया औरतों का अपमान कर रहे हो तुम। गाड़ियां मंगवा लो ऊपर चढ़ा लो सभी के यही हो सकता है यही कर रही है यूपी सरकार और क्या कर रही है। तुमने हमारी लीडर को 54 घंटे बिठा के रखा किस बना पे भाई किसानों को पूरी तरह से हमने मतलब मैंने सुना पीठ के ऊपर खंजर मारते हैं तुमने पीठ की तरफ से कुचला किसानों को यार राउंड डाला आज तक अरेस्ट नहीं किया तुमने क्यों नहीं अरेस्ट किया उसको। तुम्हारा कानून हमारे लिए है क्या मिश्रा साहब के लिए नहीं है। और अगर कोई कौन है उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे बोलो ना इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन नहीं किया है FIR में उसका नाम है क्यों पकड़ा नहीं है क्या तुम्हारा डंडा हमारे ऊपर ही चल रहा है उल्टा हमें डरा रहे हो हैं क्यों भाई भैया एसपी साहब लाओ लोकतंत्र एसपी साहब लाओ साहब हम लोग आपको जो करना है आप हमारे किसानों का कत्ल किया है तुमने क्या मांग रहे थे वो पीसफुली चले जा रहे थे किसान तुमने पीठ में गाड़ियां चढ़ा दी और फिर जिसने गाड़ी चढ़ाई वो खुला घूम रहा है। जो किसानों के कत्ल है मैं उनको क्यों नहीं हम सर पैदल चलेंगे सर अहंकार है अहंकार है ये अहंकारी सरकार अहंकारी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार आप आगे चलो पहले आप प्लीज जाओ नहीं चलेगी।
बैरियर तक न our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।